प्री बोर्ड का रिजल्ट जब मैंने और अपनी मेरी मदर ने रिसीव किया तो आई हैड फेल्ड इन बोथ मैथ्स एंड साइंस। साइंस ग्रेजुएट होने के बाद CGL की एक साल तैयारी करने के बाद बैंक के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं पता था, उसे सिर्फ ये था कि SSC CGL होगा और मुझे एक जॉब मिलेगी। जैसा कि लोग कहते हैं कि CGL होता तो मैं कुछ बन पाता, मैं कम से कम आज यहाँ खड़े होकर ये कह सकता हूँ कि CGL नहीं हुआ तो मैं कुछ बन गया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक तिवारी। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक, हैविंग क्लियर्ड RRB, IBPS PO, क्लर्क एंड केनरा बैंक PO, दैट टू इन अ स्पैन ऑफ 6 months। सी लाइक एवरी अदर एवरेज स्टूडेंट, आई टू वॉज एन बिलो एवरेज स्टूडेंट, एंड लाइक एवरी अदर एवरेज स्टूडेंट आई टू हैव मेनी अदर स्टोरीज टू टेल और टू इंस्पायर यू पीपल एज वेल। मुझे आज भी वाला दिन याद है जब मैं अपनी मदर के साथ अपना प्री बोर्ड का रिजल्ट लेने जा रहा था। तो प्री बोर्ड का रिजल्ट जब मैंने और अपनी मेरी मदर ने रिसीव किया तो आई हैड फेल्ड इन बोथ मैथ्स एंड साइंस। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड माय मॉम वाज सैड एज वेल, तो शी आज माय टीचर कि व्हाट एल्स कैन बी डन, हाउ विल दिस बॉय पास। तो माय टीचर टोल्ड मी माय मॉम कि जब ये लड़का 10-12 महीने में ये काम नहीं कर पाया तो बचे हुए 1 महीने में ये पास कैसे हो पाएगा। तो दिस गॉट माय मॉम रियली सैड, एंड व्हेन वी वर रिटर्निंग फ्रॉम आवर स्कूल तो आई कुड सी टीयर्स इन हर आइज। मतलब मुझे वो याद है कि उनकी आँख में आंसू था। और उस दिन मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि माई केयरलेसनेस हैज़ स्टार्टेड टू इम्पैक्ट माई पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर डेडिकेटिंग एवरी थिंग दैट दे हैड टू मी एंड आई वॉज नॉट अप टू द मार्क। उस दिन मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं 90-95% स्कोर करूँगा, बल्कि ये डिसाइड किया कि ओके आई विल पास, किसी भी तरीके से मैं पढ़ूँ लेकिन मैं पास ज़रूर होऊंगा। आई स्टार्टेड स्टडिंग ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली, एंड दैट इज something that made the change for me. From being a below average student to clearing 4 government exams in a row in a span of 6 months has definitely something that I can tell you people about. See, being below average or being an average student is not a blot for you all. It is basically an opportunity, because opportunity only comes from crisis. तो जब भी आप लोगों को crisis लगे कि ठीक है पढ़ाई में crisis है या किसी भी चीज़ में particularly crisis है, तो आप समझ सकते हैं कि एक opportunity भी आपको उसके crisis के साथ एक opportunity भी पेश होने वाली है। Now I would like all of you to know कि there are certain myths with clearing government exams. तो मैं वो 3 basic myths जो है वो break करना चाहता हूँ। द वेरी फर्स्ट मिथ इज कि इफ समवन क्लियर्स एन गवर्नमेंट एग्जाम तो पीपल थिंक कि इट मस्ट बी हिज चाइल्डहुड ड्रीम। सो सी फॉर मी देर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है 10-20% लोगों का ऐसा हो सकता है कि हाँ मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था ये एग्जाम क्लियर करना, पर नॉट ऑल। सी 70% मेजॉरिटी जो है उसका चाइल्डहुड ड्रीम कभी ये नहीं होता। मेरा तो खासकर बिल्कुल भी नहीं था। आई गॉट ग्रेजुएटेड इन June 2017 एंड दैट टू अ साइंस ग्रेजुएट। स्टार्टेड वर्किंग फॉर SSC CGL फ्रॉम June 2017। प्रॉपरली मैंने हार्डवर्क किया और अगर एग्ज़ाम होता तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करता, लेकिन व्हेन माय एग्ज़ाम वाज ड्यू ऑन June 2018 द एग्ज़ाम गॉट कैंसिल्ड। आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसको कोई अल्टरनेटिव नहीं पता था, उसे सिर्फ ये था कि SSC CGL होगा और मुझे एक जॉब मिलेगी, क्योंकि वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड था। 3-4 दिन तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या करना है, ना नींद आ रही थी ना खाना खाने का मन कर रहा था, क्योंकि बिल्कुल नहीं पता था कौन सा अल्टरनेटिव एग्ज़ाम दूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय एक चीज़ दिमाग में आई और वो ये थी कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 30-40 लाख और भी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है मेरे साथ साथ। मतलब अगर मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, 30-40 लाख और बच्चे हैं जो इस समय दुखी हैं, या फिर हु आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल, दे आर फीलिंग सैड कि आई कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज CGL गॉट कैंसिल्ड। उस दिन से मैंने ये अगर सोचा कि इवन इफ़ आई टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, अगर मैं आज से किसी ऑल्टरनेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू करूँ, एटलीस्ट आई विल बी बेटर देन दोज 30-40 लाख स्टूडेंट्स, आई कैन अचीव समथिंग, एंड दैट वॉज द थिंग दैट हेल्प मी। जैसा कि लोग कहते हैं कि CGL होता तो मैं कुछ बन पाता, मैं कम से कम आज यहाँ खड़े होकर ये कह सकता हूँ कि CGL नहीं हुआ तो मैं कुछ बन गया। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट मिथ दैट आई वॉन्टेड टू ब्रेक। कि ऐसा मत समझिए कि चाइल्डहुड ड्रीम था क्लियर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भी एग्जाम क्लियर होगा। सी द सेकेंड मिथ इज कि यू नीड टू स्टडी फॉर 10-12 hours एवरी डे एंड दैट टू फॉर 2-3 कॉन्टीन्यूअस ईयर्स। देखिए हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम अलग होता है, उसको एक अपना अलग ड्यूरेशन होता है, अलग स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है सबको। स्पेशली टॉकिंग अबाउट बैंकिंग एग्ज़ाम्स, मैंने 4 बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, RRB, IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर, IBPS क्लर्क और केनरा बैंक PO, एंड दैट टू इन अ स्पैन ऑफ 6 months। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको 6 घंटे या फिर 2-3 साल तक पढ़ना है, बात यह कि आपको क्वालिटी टाइम और प्रॉपर टाइम डेडिकेट करना है।
See, the most important thing is reading newspaper. I'll tell you a very story. That's an inspiring story with reading newspaper. When I got enrolled in my college, so as I was a very shy student and a below average student as well, so I didn't know how to speak English. So that was a very big problem for me. So jab main apne colleagues se wahan milta tha, to 70% basic jo colleagues the wo English bola karte the. Aur jab main Hindi mein unse baat karta tha, to wo aise respond karte the, jaise unhe ya to Hindi samajh nahi aa rahi ya wo samajhna nahi cha rahe. So again, that was a problem for me because interaction nahi tha bilkul bhi. So I thought of, theek hai, ki English samjhenge, padhenge kisi tarike, so that ki I could interact with my colleagues. So I started with the basic and the most easiest thing, that is newspaper. See, newspaper helped me with reading and speaking skills as well. Aur unknowingly, jo newspaper ne meri help ki, wo thi ki mera international affairs, current affairs aur काफ़ी और वास्ट नॉलेज मेरे को मिल गई थी, ताकि व्हेन आई वांटेड टू इंटरेक्ट विद समवन, तो आई कुड वेरी इजीली इंटरेक्ट बिकॉज न्यूज़पेपर हैड गिवन मी अ होल लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट. तो सी, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, स्पेशली बैंक, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम नाउ ऑन. एंड सी, द थर्ड मिथ दैट आई वॉन्टेड टू ब्रेक इज कि यू नीड कोचिंग फॉर अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ एग्जाम और यू नीड टू शफल विद मैनी बुक्स. सी, देर इज़ नथिंग ऑफ सच सॉर्ट. मैंने बैंक साइंस ग्रेजुएट होने के बाद, CGL की एक साल तैयारी करने के बाद, बैंक के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी. मैंने बैंक बिना कोचिंग के क्लियर किया और वो भी 6 मंथ्स में. तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैंक के लिए है, दैट इज़ गिविंग मॉक टेस्ट. आपको डेली मॉक टेस्ट देना है जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए. मॉक टेस्ट देने के साथ साथ यू शुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, करेंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स. देखिए, रीजनिंग और मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 50% इज़ रीजनिंग एंड मैथ्स. रीजनिंग में आपको डेली पजल सॉल्व करने हैं, ऑलमोस्ट यू नीड टू गिव एन आर फॉर रीजनिंग. और सेम इज़ द केस विथ मैथ्स एज वेल, यू नीड टू डेडिकेट एन आर फॉर मैथ्स एज वेल. तो देखिए, कोचिंग की कोई खास इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि आप मॉक टेस्ट डेली दीजिए, जैसा कि मैं किया करता था. मैं डेली मॉक टेस्ट देता था विदाउट फेल. देखिए, कोई भी चीज़ आप मॉक टेस्ट में छोड़िए, दैट इज़ द ओनली, नियरली 70% ऑफ योर एग्जामिनेशन और योर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा. और देखिए, जैसा कि ये बोला जाता है कि बिलो एवरेज स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है, ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, जस्ट फील हैप्पी कि यू आर एन एवरेज एंड नो वन एक्सपेक्ट्स समथिंग फ्रॉम यू. यू आर नॉट प्रेशराइज, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है जो 90% 95% वाले स्कोर वाले होते हैं, उनसे सब ये एक्सपेक्ट करते हैं ये ज़रूर कुछ करेगा, और एवरेज बच्चे से इतना ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है. तो आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए. और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन आई यूज़ टू स्टडी, तो एवरीवन यूज़ टू आस्क माय पेरेंट्स कि ये पढ़ने में, प्रतीक पढ़ने में कैसा है. तो मेरे फादर एक जवाब दिया करते थे कि ही इज़ एन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है पढ़ाई में. तो बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई था. और एक बार एक मेरे रिलेटिव ने मेरे फादर को उससे भी इंटरेस्टिंग रिप्लाई दिया. उन्होंने ये कहा कि, उन्होंने ऐसे ही पूछा कि प्रतीक पढ़ाई में कैसा है, तो मेरे फादर ने एज यूजुअल कह दिया प्रतीक एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है. तो मैं रिलेटिव ने तब ये रिप्लाई दिया कि सर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही मैच जिताते हैं. तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टेक यू अक्रॉस. तो वो जो चीज़ थी, वो अगेन मेरे को एक बार को लगी कि ठीक है, नहीं, एवरेज होना एक ब्लॉट नहीं है, बल्कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि मैं राइज कर सकता हूँ. और देखिए, आई वुड लाइक टू एंड विथ कि आर फॉर्मर प्रेसिडेंट वंस टोल्ड कि इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी, तो यू नीड नॉट सैल्यूट एनीवन एल्स. तो देखिए, इवन अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इफ़ यू डेडिकेट योर टाइम, योर नॉलेज, योर विजडम इन दैट, तो यू नीड नॉट डू एनीथिंग एल्स, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस फॉर यू. थैंक यू. टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.